खबर अजमेर से है, जहां पर 500 परिवारों के साथ में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले छात्र ठग प्रमोद गुप्ता को अलवर गेट थाना पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। थाना प्रभारी मुकेश चौधरी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ वार्ड 33 नगरा क्षेत्र की पार्षद रेखा पिंगोलिया ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं परिवादी रेखा ने बताया कि प्रमोद गुप्ता और उसका परिवार एकता निधि इंडिया लिमिटेड के नाम पर सोसाइटी चलाते थे और उसकी यार्ड में उन्होंने सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपए हड़प लिए। शिकायत दर्ज होने के बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को रोडवेज बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कल BCO जो सोसाइटी चलाने वाले संचालक प्रमोद गुप्ता को हमने गिरफ्तार किया था और उससे अनुसंधान किया गया और आज हमने उनको कोर्ट में पेश किया है मुलजिम को और 5 दिन का PC रिमांड लिया है। अभी अनुसंधान करने के पश्चात तय होगा कि उसने कैसे कैसे ये घपला किया है, कितने लोग उससे जुड़े हुए थे, कब से जुड़े हुए थे, तो ये अनुसंधान से जो पुलिस रिमांड हमने लिया है उस अनुसंधान से तय होगा।